अगर आप अपने मित्र तो दोस्तों, अब होता क्या है कि जब कपल्स के पास में गवाह नहीं होते तो काफी परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि जब आप जैसे कोटमारी ऑफिस में अपनी शादी करने के लिए आएंगे, तो आपके अलावा भी बहुत सारे कपल्स जो अपनी शादी करने के लिए कोटमारी ऑफिस में आए होते हैं, तो या तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वह आपकी रिक्वेस्ट अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी शादी में गवाही दे सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कोई समस्या की, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास में अगर गवाह अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ में कोई गवाह नहीं आ सकते, तो आप लोग दोस्तों कोई परेशान ना हो। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपको एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो गवाहों के नाम पर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे आपसे लेते हैं, ठीक है। जैसा कि यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बनाते हैं, और आपने भी अगर कहीं बात अगर करी होगी तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि कई सारे लोग दोस्तों आपसे गवाहों के नाम पर 2000 से लेके 5000, 6000, 7000 रुपए तक दोस्तों आप लोगों से मांगते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। इतने पैसे कभी भी नहीं लगते। लेकिन ऐसे लोगों का लालच यहां पर ही खत्म नहीं होता है दोस्तों। इतने पैसे लेने के बावजूद भी वो आपसे मिसलेनियस चार्जेस के नाम पर गवाहों के 2000 से 4000, 5000 रुपए और ज्यादा वसूल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कोर्ट मैरिज ऑफिस में नहीं होता है। अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस में अगर आप अपनी शादी करने के लिए आते हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे दोस्तों बिल्कुल भी कोर्ट मैरिज ऑफिस में गवाहों के नहीं लगते हैं। मैक्सिमम अगर कोई अगर आपकी शादी में अगर गवाही देने के लिए कोई तैयार हो भी जाते हैं, जो आपकी शादी में प्रेजेंट रहते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल दोस्तों वो आपसे 400 या 500 रुपये सिर्फ आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई आपसे 5000 रुपये लेगा गवाह, या कोई 6000 या 7000 रुपये लेगा। तो काफ़ी सारे लोग जो ऐसी वीडियो बनाते हैं दोस्तों, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो आपको ये बोल देंगे, आप हमारे सब्सक्राइबर देखो, हमारे इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, और आपसे फिर गवाहों के नाम पर इतने ज़्यादा, इतनी मोटी रकम दोस्तों आपसे मांगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किसी के सिर्फ सब्सक्राइबर देखकर आपने उसके पास में जाकर इतनी मोटी रकम आपने गवाहों की देनी है, या दोस्तों आपने एक प्रोफेशनल और एक लीगल एक्सपर्ट टीम के पास में जाकर आप अपना सही काम करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये निर्णय आपने लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। डिसाइड आपने करना है दोस्तों कि आप अपनी शादी करने कहां पर जाना चाहते हैं।
लेकिन मैं पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने ज्यादा पैसे गवाहों के बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और गवाहों से जुड़ी अगर कुछ भी और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों या तो हमारे नंबर पर आप कॉल करके आप मालूम कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी जरूर दी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने आपसे गवाहों के नाम पर इतने ज्यादा पैसे मांगे हैं तो दोस्तों आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर हमें जरूर बताएं, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपसे गवाहों के नाम पर 2000, 5000, 6000, 7000 या उसके बाद में फिर मिसलेनियस चार्जेस, उसके बाद में फिर गवाहों के आने जाने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, इस नाम से आपको इस तरीके से वो लोग पैसे आपसे मांगते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमेशा आप सावधान रहें और एक सही जगह अगर आप मैरिज अगर करने जाएंगे, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि आप अपने घर से अगर शादी करने के लिए निकले हैं तो आप दोस्तों कोर्ट के अंदर ही आप लोग अपनी शादी करने के लिए जाएं। अगर कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में आपको नहीं बुलाता है या कहीं मेट्रो स्टेशन पर बुलाता है या कहीं बस अड्डे पर बुलाता है या कहीं पान की दुकान पर बुलाता है, तो आप लोग दोस्तों ऐसे लोगों से आप सावधान रहें और कभी भी आप ऐसे व्यक्ति के पास में आप ना जाएं जो कि आपको मैरिज के नाम पर आपको कोर्ट में ना बुलाकर कहीं और बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस की कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आपकी कोर्ट मैरिज करने की उसकी प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अवश्य करी जाएगी। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो गवाह आपके लगते हैं, गवाहों की बहुत अहम भूमिका आपकी शादी के अंदर होती है, क्योंकि गवाहों के भी डॉक्यूमेंट्स आपकी शादी के अंदर लगाए जाते हैं, गवाहों के भी फोटोग्राफ्स खींचते हैं, जो एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म होता है उसमें गवाहों के भी फोटोग्राफ लगते हैं, आर्य समाज मंदिर में भी गवाहों की फोटो खींचती है आपके साथ में, और जब आप मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने अपनी शादी करने के लिए आप जाते हैं तो वहां पर भी आपके साथ में आपके गवाहों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है दोस्तों। तो अगर आपको इसी प्रकार से और कोई जानकारी अगर आपको लेनी हो या आपके माइंड में कोई ऐसे प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर आपको अगर कहीं पर नहीं मिल रहे तो दोस्तों आप लोग हमसे कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर पता कीजिए। और यदि आप लोग कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में अगर आप कुछ मालूम करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करने में, आपकी मदद करने में। और इसी प्रकार दोस्तों आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप बने रहें।